गाइज एक जबरदस्त लूट आपको बताऊंगा, अनलिमिटेड टाइम आप 100-100 रुपए करके लूट पाओगे। बस इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए, एकदम धमाका लूट होने वाला है आज का। एकदम 100-100 रुपए करके अनलिमिटेड लूट पाओगे और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्री में प्रोडक्ट भी आप यहाँ पर ऑर्डर कर पाओगे। तो चलिए गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों ये ऑफर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका मैं ट्रिक आपको बता दूंगा जिससे कि सब लोग लूट पाओगे, बहुत सारे लोगों को इसे लूटने में परेशानी होगी, इसलिए मैं सबको यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा। तो गाइज ये जो ऑफर है वो मैजिक पिन की तरफ से निकल कर आ रहा है। मैजिक पिन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को इसका ऑफर पता भी होगा। तो कैसे इसे अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेमेंट पेज पर ही दिक्कत होती है। पेमेंट करते टाइम ही पेमेंट सिर्फ 1 रुपये ही करना है, लेकिन वहीं पर दिक्कत आ जाती है। बेसिकली दोस्तों इस ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले आपको पेजैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम पेजैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, जाकर सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। तो अगर आप न्यू यूजर हो तो सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर प्राइमरी मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सिम आपके फ़ोन में लगा हुआ है वही सिम डालिएगा, तभी जाकर आपका अकाउंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो चलिए हम अपना एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपसे रेफर कोड मांगेगा, तो रेफर कोड आप डाल सकते हो। देख सकते हो रेफर कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस रेफर कोड को डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देख सकते हो ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो चलिए एक ईमेल आईडी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम वगैरह भी पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका पैन कार्ड में फुल नेम होगा वही फुल नेम डालिएगा दोस्तों, क्यों तभी जाकर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और पैन कार्ड आप किसी का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस किसी का भी पैन कार्ड सिर्फ आपके पास होना चाहिए, बस दीजिए, यहाँ पर कोई ओटीपी वगैरह नहीं लगता है। तो चलिए हम यहाँ पर फुल नेम एंटर कर देते हैं। फुल नेम एंटर करने के बाद देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ नीचे पूछा जा रहा है, तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ इस पर कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना। चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपल से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, उसका आंसर लिख दीजिए और फिर नीचे में 4 डिजिट का पिन। तो चलिए हम 4 डिजिट का पिन सेट कर लेते हैं, फिर री एंटर करते हैं और सिंपल से तो पिन कोड पूछेगा, एरिया का आपका पिन कोड क्या है। तो चलिए हम एरिया का पिन कोड भी डाल लेते हैं और सिंपल से प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद देख सकते हो ओटीपी मांगा जाएगा, तो आपके फोन नंबर पर ओटीपी चला जाएगा जो भी फोन नंबर आपने डाला है। तो सिंपल से उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, फोन में लगा होगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ले लेगा ओटीपी। देख सकते हो गाइस ओटीपी आ चुका है, ऑटोमेटिक फिल हो गया। आप सिंपली हम यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो वेलकम का पेज आ चुका है। अब सिंपल से आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो चलिए हम 4 डिजिट का पिन सेट कर लेते हैं। पिन सेट करने के बाद सिंपल से आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद लोकेशन के लिए मांगा जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। ओके जैसे करोगे फिर से अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लगा और आपके सामने नेक्स्ट पेज आ गया। देख सकते हो गाइस नेक्स्ट पेज पर आपसे सिम सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी सिम आपके फोन में लगा है, जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उसे सिलेक्ट करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, सिम 1 है या 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो हम सिम सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर सिलेक्ट करना है, नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपसे यहाँ पर मैसेज बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो जिस भी सिम आपका लगा है सिम 1 या 2 वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैसेज सेंड कर देना है। तो चलिए हम मैसेज सेंड कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड किया और यहाँ पर सेंडिंग हो रहा है और देखिए सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। जैसे ही मैसेज सेंड होता है सिंपली आपको बैक आ जाना है एप्लीकेशन में। जैसे हम ओपन करेंगे तो देख सकते हो अभी एरर बता रहा है, तो हम ओके कर देते हैं। फिर से हम क्लिक करेंगे, फिर से आपको एरर बताता है तो फिर से करना है। तो चलिए हम फिर से वही प्रोसेस कर लेते हैं एक बार। तो गाइज देख सकते हो जैसे हमारा मैसेज वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक इस तरह का पेज आ जाएगा। एक बात बता दूं गाइज, मैं दूसरे डिवाइस से भी ट्राई कर रहा था, मैं आपने देखा होगा, लेकिन उसमें रिचार्ज ना होने के कारण मैं इस डिवाइस में आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इस डिवाइस में मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया, ऑफर को लूट भी लिया है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस डिवाइस में बता दे रहा हूँ कैसे लूटना है। लूटने के लिए सबसे पहले इसमें आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। KYC कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पर कंप्लीट KYC करके आएगा, उसे आपको क्लिक कर देना है और कहीं पर भी आप क्लिक करोगे तो पहले आपको KYC करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आना है, 2 KYC का ऑप्शन है, कि बेसिक KYC का फुल KYC। तो सिंपल से आपको बेसिक KYC कर लेना है। बेसिक KYC में सिर्फ आपका पैन डिटेल मांगेगा, बस पैन डिटेल वगैरह डालिएगा और आप ओके कर दीजिएगा। तो आपको सिंपल सा डिटेल रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि आप HDFC का बैंक कस्टमर हो या नहीं, तो आपको अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो कर दीजिए। और बेसिक KYC में देख सकते हो, बेसिक KYC मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल
कर चुका है। ये सब डिटेल देख सकते हो, पैन नंबर, फिर नेम, पैन में क्या है, पैन कार्ड में जो नेम है, DOB, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और बस इतना ही आपको फिल करना है। पैन कार्ड का डिटेल ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा जब आप पैन कार्ड का डिटेल पहले फिल करोगे, नंबर फिल करोगे, तो बस ये सब फिल कर दीजिएगा। बस फिल करने के बाद ओके कीजिएगा तो आपका KYC सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। जैसे KYC अपडेट हो जाता है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिनिमम 1 रुपये आपको ऐड कर लेना, तब जाकर आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा पेजअप का। तो यहाँ पर सिंपल 1 लिखिए और यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, लिंक्ड कार्ड, एक न्यू कार्ड। तो सिंपल से न्यू कार्ड में चले जाइए और जो भी कार्ड से आपको पेमेंट करना है, जो भी डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, ATM कार्ड, पेटीएम का हो, कोई भी अदर बैंक का, कोई भी बैंक का हो चलेगा। यहाँ देख सकते हो तो पूछा जा रहा है कार्ड LIC नेम, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम एंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखिए कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, कार्ड नंबर डालेगा, यहाँ पर एक्सपायरी डालेगा और यहाँ पर जो भी कार्ड में नेम हो वो कार्ड नेम, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, एड मनी पर क्लिक करना है। कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, सिंपल से OTP डालिएगा। जैसे फिल कीजिएगा तो 1 रुपये ऐड हो जाएगा, जैसे कि देखिए मेरे वॉलेट में अभी 4 रुपये पड़े हुए हैं। तो जैसे 1 रुपये ऐड हो जाएगा तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। कार्ड को आपको कैसे देखना है, कार्ड डिटेल पेजअप का, तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गॉट इट पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए कार्ड का आइकन बना हुआ है, तो सिंपल से आपको कार्ड आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे कार्ड आइकन पर आप क्लिक करोगे देख सकते हो मेरा कार्ड डिटेल आ चुका है, यहाँ पर कार्ड का डिटेल है, एक्सपायरी है। इस पर अगर एक बार टैप करोगे तो आपका CVV पीछे आ जाएगा, तो सब कुछ डिटेल है। और मस्ट से यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है एनेबल द कार्ड फॉर ई-कॉमर्स पेमेंट, इसे आपको ऑन कर देना, तब जाकर कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होगा आपका। देख सकते हो मैसेज भी आ चुका है। और जो आप पिन कोड सेट करोगे, बस पेमेंट करने के लिए वो पिन कोड ही मांगता है, जो 4 डिजिट का आपने पिन सेट किया था शुरू में वही पिन कोड आपको पेमेंट करने के लिए लगेगा, कोई OTP की नहीं है। तो चलिए अब ऑफर को कैसे अप्लाई करना बता देता हूँ, कार्ड का सब कुछ डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इस फोन पर फिर से आ चुका हूँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैजिक पिन जो एप्लीकेशन है इसे मस्ट डाउनलोड कर लेना, इसी से लूटना है। तो मैजिक पिन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, इसे सिंपली आपको ओपन करना है। बहुत ही सिंपल है, मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद नेक्स्ट की जब OTP आएगा उस OTP को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक फेसबुक का और एक यहाँ पर एंटर मैनुअली, 2 ऑप्शन आएगा कि फेसबुक का डिटेल से साइनअप करना चाहते हो या मैनुअली आप एंटर करना चाहते हो। तो सिंपल से मैनुअली पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर नेम, उसके बाद नेम वगैरह सिंपल से डिटेल पूछता है, लास्ट में रेफर कोड पूछता है, तो रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, बस इस तरह का पेज पर पहुँच जाओगे। बहुत ही ईजी इसका साइनअप प्रोसेस है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यू नंबर से कीजिएगा, इससे पहले जैसे मैजिक पिन नहीं बना हो उसी नंबर से कीजिएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्लिपकार्ट, या क्योंकि दोस्तों अमेजोन का वाउचर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अगर आपको और भी कोई वाउचर लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम फ्लिपकार्ट सर्च कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस मैंने फ्लिपकार्ट सर्च किया और फ्लिपकार्ट आ चुका है। सिंपल से देख सकते हो यहाँ पर रिडीम लिखा है, रिडीम पर हम क्लिक कर देना है। रिडीम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको कट करना है। कट करने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए 100 रुपये वाला गिफ्ट वाउचर यहाँ पर अवेलेबल है, यही अगर आप अमेजोन सर्च करोगे तो वहाँ पर गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम गेट इट फॉर 98 जो लिखा है इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 98 रुपये पे करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहीं पर ट्रिक काम आएगी। आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन जो लिखा है अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोड लगाना है न्यू यूज़र 100, और ये सिर्फ उन्हीं अकाउंट पर वर्क करेगा जो न्यू यूज़र होंगे, यानी कि जो नया नंबर से साइनअप किए होंगे मैजिक पिन में उन्हीं पर। तो ये हमने डाला, अप्लाई पर क्लिक किया, देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा वैलिडेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 रुपये हमें पे करना है और हमें 100 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो हम Pay 1 पर क्लिक कर देंगे। गाइस अब इस पेज पर आपके क्रेडिट कार्ड मांगा जा रहा है, लेकिन आपको वही पेजअप वाला कार्ड यूज़ करना है। यहाँ पर आप धनी का भी दे सकते हो, जूनियर का भी कार्ड दे सकते हो, लेकिन वो सब कार्ड अभी एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। तो आपको कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है जो कार्ड में नाम है, एक्सपायरी डेट और CVV डालना है, और पे पर क्लिक करना है। जैसे पे पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर आपसे 4 डिजिट का पिन मांगेगा, तो जो भी पिन आपने पेजअप में सेट किया था वही पिन आपको एंटर करना है, ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे सक्सेसफुली आप यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा और आपको 100 रुपये का जो है वाउचर है वो मिल जाएगा। मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, और एक डेबिट कार्ड से आप एक ही अकाउंट में ट्राई कर सकते हो, मतलब एक डेबिट कार्ड से एक ही गिफ्ट वाउचर ले सकते हो, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता। गाइज वहीं पर आपको एक वाउचर का कोड, फ्लिपकार्ट का वाउचर का कोड दे जाएगा बड़ा सा, और एक यहाँ पर पिन दे दिया जाएगा। सिंपल सबको क्या करना है, वाउचर को कोड को कॉपी कर लेना है और पिन को याद रख लेना है दोनों को, और उसके बाद फ्लिपकार्ट में आना है। फ्लिपकार्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन में जाना है, माई अकाउंट के सेक्शन में जाना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए माई कार्ड्स एंड वॉलेट में शो हो जाएगा, जैसे कि 1 रुपये शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर गाइज देखिए लिखा है ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद वही गिफ्ट कार्ड का जो बड़ा सा नंबर आएगा उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और गिफ्ट कार्ड का पिन जो देगा उसे यहाँ पर लिखना है। दोनों लिखने के बाद अप्लाई पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इंस्टेंटली 100 रुपीज़ आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए गाइस इस तरह से आप इसे लूट पाओगे। अनलिमिटेड अगर आपको लूटना है तो सिंपल से या तो दूसरे डिवाइस में ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक न्यू नंबर चाहिए जिससे आप मैजिक पिन का अकाउंट बनाओ और एक न्यू नंबर जिससे आप पेजअप का अकाउंट बनाओ, क्योंकि गाइस पेजअप के लिए तो जो मोबाइल में लगा होगा सिम उसी से आप पेजअप अकाउंट बना पाओगे। तो पेजअप का अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो समझ लीजिए लूट लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैजिक पिन में एक पेजअप अकाउंट से एक ही बार आप रिडीम कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के ऑफर के जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में। देखिए गाइस मैं यहाँ पर माई ऑर्डर्स के सेक्शन में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक नेकबैंड ऑर्डर किया हुआ है जो कि HRX कंपनी का है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसका ऑर्डर डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस मुझे सिर्फ 199 रुपीज़ पे करने पड़े और सिर्फ 600 कॉइन मैंने दिया है। इसके बदले में सिर्फ 199 रुपये मैंने पे करके इसे ऑर्डर किया है और रियलिटी बताता हूँ कि मैंने 1 रुपये भी पे नहीं किया है। आप अगर पे करोगे तो आपको 600 कॉइन देना पड़ेगा। अगर आपके पास 600 कॉइन है तो आप इसे यहाँ पर खरीद सकते हो, बहुत ही बेस्ट डील है। मैंने टेलीग्राम पर भी दिया था और मैंने इसे सिर्फ 0 रुपये में ऑर्डर किया है। 600 कॉइन मेरे पास नहीं था तो मैंने कुछ गेम्स खेले जिससे 600 कॉइन हो चुके हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर एक्टिव हो गए तो आपको पता होगा मैं डेली यहाँ पर फ्लिपकार्ट के आंसर्स देता हूँ गेम का, तो उसे खेलते हो तो आपको फ्री में सुपर कॉइन्स मिलते हैं। तो 600 कॉइन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर में 200 रुपये थे। एक तो मैंने मैजिक पिन से 100 रुपये फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर कमाया था और एक शॉपसी ऑफर से, जिस शॉपसी ऑफर के बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था और मैंने वीडियोस भी बनाया था कल, तो उसी ऑफर से मुझे 100 रुपये मिले थे। यानी कि मेरे टोटल 200 रुपये फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर में थे। उसी गिफ्ट वाउचर का यूज करके मैंने इसे यहाँ पर पेमेंट किया। जैसे कि नीचे आता है तो मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने किससे पेमेंट किया। देख सकते हो यहाँ पर सुपर कॉइन से प्लस फ्लिपकार्ट वॉलेट से। फ्लिपकार्ट वॉलेट में मेरे पास 200 रुपये थे, उसी से मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। बस गए 0 रुपये मेरा ऑर्डर हो गया। एकदम 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अगर आपके पास भी फ्लिपकार्ट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और साथ में ये ऑफर जब ट्राई करोगे मैजिक पिन का, तो इसमें 100 मिलेंगे ही। तो बस अगर आपके पास 600 कॉइन है तो इस डील को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि HRX कंपनी के दोस्तों ये हेडफोन है काफ़ी अच्छा है, नेकबैंड है। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो ऋतिक रोशन है। आप समझ सकते हो इसमें देख सकते हो क्या क्या फीचर्स है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वालकॉम चिपसेट के साथ ये आता है, प्लस यहाँ पर देख सकते हो 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा आपको। प्लस देख लीजिए IPX4 का सर्टिफिकेशन है, यानी कि स्वेट प्रूफ आपको मिल जाएगा। और इसके बाद देख सकते हो ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस गूगल और सीरी का भी सपोर्ट है। और इसमें आप जितना भी आप इसे फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पर फोल्डेबल है पूरा है, देख सकते हो फ्लेक्सिबल है। तो बहुत ही अच्छा डील है, इसे मिस मत कीजिएगा। इसका भी प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आपको परचेस करना है तो मस्ट इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिएगा गाइस यही एक छोटा सा लूट था जो आपको बताना था। 100 रुपये करके अनलिमिटेड लूट सकते हो, बस आपके पास पेजअप का अनलिमिटेड अकाउंट बनना चाहिए। अलग अलग डिवाइस चाहिए पेजअप का अकाउंट बनाने के लिए, या फिर एक फ़ोन में अगर आपके पास 2 सिम है तो क्लियर डेटा करके आप ट्राई कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और लेटेस्ट लूट अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर TechnoS1 सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मस्ट ज्वाइन कीजिए, सभी अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लूट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।